सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो मरीन मैनेजमेंट का ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। तो जो ऑनलाइन टेस्ट का ड्यूरेशन है वो दे रखा है 30 मिनट्स, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे वो मेल में नहीं दे रखा है, लेकिन ये 40 या 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर के बच्चों से पूछा है। और जो पेपर का कंटेंट दे रखा है मेल में वो है PCM, जनरल ज्योग्राफी, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। सो गाइज, बात कर ले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए विद अ गुड बैंडविड्थ, मतलब आपका कैमरा और ऑडियो दोनों ऑन हो सकता है पेपर के टाइम पे, और प्लेन वाइट पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए रफ पर्पस के लिए, और आपके पास फोटो आईडी होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है यार, अपना 100% देना एग्जाम के टाइम पे। देखो, सबको मौका नहीं मिला है, कुछ ना कुछ आपके में देख के स्कॉर्पियो वाले ने आपको टेस्ट देने का मौका मिला, और अच्छी कंपनी स्कॉर्पियो, तो मैं बोलूँगा कि अपना 100% दो और क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी है करियर स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में, क्योंकि इसके रिक्वेस्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा हैं। तो देखो, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, 5th of July से इनका ऑनलाइन टेस्ट शुरू होने वाला है। तो इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये बुक पढ़ने के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके PDF का। अभी बात करते हैं इसका, मतलब क्यों मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि इसका जो आपका कॉन्टेंट देखोगे, जब आप इनका इंडेक्स देखोगे तो उसमें आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके नोट्स हैं, छोटे नोट्स हैं, कम क्वेश्चन है, बट पूरे आपका जो एक चैप्टर होता है, मैं खुद मतलब इसको देख चुका नोट्स को, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होंगे। तो छोटे में अगर आपको ये सब नोट्स मिल जा रहे हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के ही नोट्स हैं जो पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपका इंग्लिश हो जाता है इसमें, एप्टीट्यूड हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर आप ये बुक पे ही अगर स्टक रहो पूरा, और 5th July तक अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हो, क्वेश्चंस कम है तो आप कंप्लीट जरूर कर लोगे, तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से आपका स्कॉर्पियो का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तो मैंने ये लास्ट ईयर के बच्चों से पूछा था, तो जो फिजिक्स का उसमें काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आपका गैस लॉ, थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स में आपका बेसिक कैलकुलस और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी में बहुत लोग पूछ रहे थे, ज्योग्राफी में आपका स्टेट और कैपिटल हो सकता है इंडिया का, सीज, ओशंस, कैपिटल एंड करेंसी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, कनाल्स, स्ट्रेट और पोर्ट से क्वेश्चन होते हैं। तो इस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर नोट से पढ़ सकते हो, मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ इन सब पे, सीज, ओशंस, कैपिटल, करेंसी, तो वो वाला वीडियो जाके आप देख सकते हो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पर्सनल से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन होते हैं, आपके GK क्वेश्चन हो सकते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। तो देखो, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मेरा वेबसाइट है उस पर जाकर आप पढ़ लोगे, बट मैं आपको मतलब यहाँ पे एक और सजेशन देना चाहूंगा कि और भी जो कंपनीज के क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेना। देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिलेंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो मे भी दूसरे कंपनी क्वेश्चन इस बार इस कंपनी में पूछा जा सकता है, तो आप वो भी पढ़ के अगर तैयार रहोगे तो आपका हो जाएगा, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, वो नोट्स तो पूरा पढ़ ही लेना। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो लास्ट ईयर तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता था स्कॉर्पियो में, लेकिन अभी इस साल हो रहा है। तो ये देखो कब हो रहा है, आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद हो रहा है, तो ये मे भी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के कॉन्टेंट का होता है, तो उसमें पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे को एक लिस्ट मिला था साइकोमेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चन का, तो वो मैं अटैच कर दूंगा, पता नहीं कहाँ से मिला था, मेरे को खुद नहीं पता है, बट मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए उसका, तो वो जाके डाउनलोड करके वो अलग क्वेश्चन कर लेना। वैसे ही क्वेश्चन होते हैं तो उसका आपका फिक्स आंसर नहीं होता, सबका अपना अपना आंसर होता है, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं और सबका पर्सनालिटी अलग अलग होता है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में रीजनिंग क्वेश्चन भी होते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चन आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो, बाकी मैं देखता हूं अगर कोई वेबसाइट मेरे को मिल जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। और देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो ड्यूरेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है इसके बारे में बात कर ले, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट का कभी भी टेस्ट होता है या फिर आप इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोल दे तो अगर वही होगा तो इसमें जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज्यादा होते हैं और टाइम आपके पास बहुत कम होता है। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का एग्जांपल लो तो आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है और उसमें आपको 241 क्वेश्चन करने होते हैं, और ऐसे और भी कंपनीज हैं जैसे वहां पे आपको 12 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऐसे इनका भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। मेल में तो कोई ऐसे ड्यूरेशन और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिया था, बट इसके लिए तैयार रहना कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।